नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स लाइव उदा चर्चा में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दिनेश गालियान। कबड्डी की हम बात करेंगे कि कबड्डी हमारे लिए और खासकर जब हम हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं तो कबड्डी का नाम सुनते ही शरीर में एक स्फूर्ति और एक जोश का अनुभव होता है और उस कबड्डी ने हरियाणा और पंजाब को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपने जिले के अपने गांव अपने देश का भी नाम रोशन किया है और उस कबड्डी की आज परिस्थिति क्या है, पहले से अच्छी हैं, पहले से बुरी हैं, या यदि अच्छी हैं तो कैसे अच्छी हैं और यदि कुछ कम है तो कमी कहाँ है। वो कमी हमारे प्लेयरों में है, हमारे दर्शकों में है, हमारे आयोजकों में है या हमारी सरकार में है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करनाल के जाने माने खिलाड़ी और एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव श्यामगढ़ से सुरजीत पहलवान जी, जो अपने समय के बहुत ही नामी गिरामी खिलाड़ी रहे हैं जिनको पूरा हरियाणा के जो पहलवान है और जो दर्शक हैं जानते हैं। तो सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दूसरा है हमारे साथ जैनी से सतबीर उर्फ मप्पल पहलवान जी, जो अपने समय के बहुत ही शानदार रेडर रहे हैं और जिन्होंने काफी सालों तक करनाल जिले के लिए कबड्डी खेली है और उस कबड्डी को एक मुकाम तक लेके गए हैं। तो आज हम इन लोगों से ही बात करेंगे, इन दोनों पहलवानों से बात करेंगे कि कबड्डी में आज के समय में अच्छाई क्या ये लोग देखते हैं और क्या ये इनमें कमियां देखते हैं। पर उस सवाल से पहले थोड़ा थोड़ा परिचय हम अपने दोनों पहलवानों से थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो पहलवान जी, थोड़ा सा परिचय अपने बारे में, अपने गांव का माहौल और अपने परिवार के माहौल कैसा है और कैसे आप उस कबड्डी के उस मुकाम तक जा पाए, उसमें आपके गांव का क्या सहयोग था, आपकी फैमिली का क्या सहयोग था, थोड़ा सा डिटेल हमें अपने गांव के और अपने परिवार के बारे में। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को बधाई जिन्होंने हमारे को इसमें रूबरू होने का मौका दिया। दूसरी बात, ये जो मेरे जितने मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं इनका धन्यवाद। और रही बात कबड्डी की, सबसे पहले बात तो कबड्डी जब आप खेलते थे, छोटे छोटे खेलते थे, मेरा भाई भी बड़ा कबड्डी खेलता था, नेशनल खेलता था, वो सोचा करता भी मेरा भाई भी कुछ बने जी। तो उसके साथ साथ हम बल्कि मेरे डैडी से डरता था खेलता है जी जी, कहीं खेलने भी जाया करते ना, उसमें पता क्या उस टाइम तो इनाम कुछ होते नहीं थे जी जी, और डब्बे मिला करते थे। हाँ। तो कड़ी मैच खेला उसने जी। और वो जीत गया वहाँ, और डब्बे जीत कर लिया, तो डब्बा किसी और के करते रहे। अच्छा, तो पिताजी से डर के मारे, पिताजी से डर के मारे होंगे। तो उन दिनों वो तो इतने डरते थे, फिर मेरी बारी आई, मैं उनका खेलना बंद हो गया जी, मैं आस्ते आस्ते खेलना शुरू कर दिया। तो आपके आपके दिमाग में पिताजी का डर नहीं था? नहीं नहीं, वो मेरे बड़े भाई ने निकाल दिया जी जी जी। और बल्कि मेरा डैडी था जो थोड़ा मेरे से बहुत लगाव था उनका जी जी जी, इतने मतलब जैसे दोस्त होते हैं जी जी, ऐसे थे जी। बल्कि मैं जब प्रैक्टिस करता था ना, मेरे इर्द गिर्द फिरते रहा थे जी जी जी। तो ऐसा था, उन्होंने जिस टाइम वो किया ना जी, तो मैं खेलना शुरू किया, तो मेरा बड़ा भाई मेरे को कभी मतलब घरों काम भी नहीं करने देते थे जी जी जी। मैं तो उन्होंने जब मतलब खाली छोड़ दिया, मैस लिया, दूध पिया दिया जी, बादाम पिए, मतलब पूरा सहयोग दिया उन्होंने मेरे परिवार में। और मैं आज अपने डैडी का, अपने बस माँ बाप का धन्यवाद दी हूँ जिन्होंने मैं इस मकान पकड़ा कर दिया जी जी। तो पहलवान जी, आप परिवार में कौन कौन है? अब भी परिवार में थोड़े दिन पहले डैडी की डेथ हो गई थी जी, तो ऐसा कुछ नहीं, सारे भाई हैं, माता है जी जी, दो भाई और हैं अपने जी जी, बड़ा भाई डांगरों का डॉक्टर है जी जी, अभी रिटायरमेंट हुई है उनकी जी जी, छोटा भाई मेरे ते बड़ा भाई है एक और बिचला जी जी, वो फाइनेंस का काम करता है जी जी, मतलब कुल मिलाकर छोटे हैं, हां मैं सबसे छोटा हूं और सबसे लाडला हूं जी 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 जी। जो लाडले के तो फिर लाड प्यार ज्यादा ही है, हां बहुत ज्यादा है, छोटे को इस चीज का बेनिफिट मिलता भी है। तो फिलहाल परिवार में आपके बच्चों के साथ आपकी पत्नी, तो बच्चे कितने हैं पहलवान जी? मेरे पास एक लड़की है, दो लड़के हैं जी जी। तो दर्शकों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सुरजीत जी करनाल के जाने माने खिलाड़ी तो हैं ही, आप लोग शायद बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी नहीं होगी कि सुरजीत पहलवान जी स्पोर्ट्स कोटे में हरियाणा पुलिस में 2001 में भर्ती हुए थे। और केवल कबड्डी के कारण, जो लोग आज ये सोचते हैं कि खेलों में कुछ नहीं रखा है, तो हमारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल सुरजीत पहलवान जी हैं कि ये स्पोर्ट्स कोटे से और कबड्डी के स्पोर्ट्स कोटे से ये हरियाणा पुलिस में आज
अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे मफ्फल पहलवान जी से, जो करनाल के नहीं पूरे हरियाणा के एक जाने माने रेडर अपने समय के रहे हैं। तो मफ्फल जी बताइए, अपने परिवार के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अपने परिवार में कौन कौन है और कहां से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे कबड्डी खेलनी चाहिए। जैसे सुरजीत जी ने बताया कि ये अपने बड़े भाई को देख के इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया, तो आपने वो शुरुआत कहाँ से हुई? हम चार भाई हैं, जी एक सिस्टर है, जी जी, और दो भाई हम प्रॉपर कबड्डी खेलते हैं। हमारे दो बड़े भाई थे, वो कह रहे अभी तुम खेल लो, जितना तरफ खेले जावा, ब्योत घर के काम में करे थे, जो अच्छे ब्योत वाले थे इसके खेले नहीं करे, सौ का जोड़ हाँ, था हाँ, हाँ। जिसके अच्छे ब्योत थे उन्होंने खेले, जिसका थोड़ा कम ब्योत था खर्चा कम है मत्तर इसमें तो प्लेयर निकट जाएगा बढ़िया। तो गांव में हमारे सीनियर जो प्लेयर थे बड़े, हम खेले करते गांव में, यहाँ गिंडू टोरा था जो लकड़ियों वाला, तो वो कहते यार तेरे में फुर्ती बहुत है तो खेलने लग जा, मेरा खेलना आंदा नहीं, कैसे खेल लेंगे हम बोले जी। तो हम गक्षिणा चले गए खेलो में, टूर्नामेंट देखी जी। तो वहाँ आएगा मैंने पांच चार जन बालकों ने बीटी जी कर ली, चलो आप अभी खेल का देखना चाहिए। तो भाई नशे कुत्ते का सिस्टम ही नहीं हो करता, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम था घर के ना, फिर गांव वालों ने सपोर्ट करा जी। अच्छा, गांव ने भी सपोर्ट किया, सपोर्ट कर दिया पूरी टीम को, पूरी टीम को सपोर्ट इतना कर दिया कि मतलब घर से ना मिलो भी गांव वाले जरूर देंगे तुम्हारे को। ऐसी तो ग्राम पंचायत और जितनी हमारी प्रैक्टिस हुई नहीं, आज के टाइम में इतनी प्रैक्टिस नहीं बच्चा कर सकता। डेली सवेरे 4 बजे उठना और 8 किलोमीटर डेली भाजना, 4 जाना 4 आना और 200-400 पौड़ी को चढ़ना। अच्छा, और 20-20 स्प्रिट मारने 100-100 फुट के। अच्छा, 100-100 मीटर के। मतलब इतनी मेहनत थी जी जी जी। और हमारा एक बड़ोत्ता गांव है, हम धन्यवाद है बड़ोत्ते गांव के भी, जाटो गांव है वैसे वो जी जी जी। हम सवेरे क्या थी हमारे प्लेयर कंडीशन, भी जो सब प्लेयर बड़ोत्ते की सीम से गन्ने पाड़ कर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, भी उसकी मैंने घर प्रोग्राम नहीं करेंगे, मैंने क्या था चट्टी लगे करे थे पहला। अच्छा, हम चट्टी लगे रहे थे, जो बच्चा नहीं आवे नहीं रेस में या सवेरे दौड़ में मेहनत में, तो उसका चट्टी लगे करे थे घर, उसके घर का दूध पीना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चट्टी हमारी जी जी जी। और बड़ोत्ते वाले इनके गन्ने ले आने जरूरी थे। अच्छा, और वो बड़ोत्ते वाला एक बार भाई उड़ा बैठ गया मौके पर। अच्छा, हम गन्ने पाड़ लग रहे और वो लठ लेगा आया। अच्छा भाई, शर्म नहीं आंदे मेरे पैर बैठे, हम दादा हम तो खेलने वाले बालक से, और सारे गंडे चूसा नो भाई मत हारी बेटा, जितना सर बच चूसा जाओ चूस लो। आज के टाइम में तो जैसे लोग हैं, ऐसे टाइम में आज के टाइम में नहीं ऐसा, तो वो तो एक बड़ा हम धन्यवाद उस बड़ोत्ते वाले, आज तक हमारे से मना नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी बात आई कि कितना भाईचारा उस समय में रहा है, आज की परिस्थितियां थोड़ी अलग है। तो पहलवान जी, अब कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो सारी है जी, मतलब बच्चे अगर निकल नहीं पाते, रात की टूर्नामेंट कर दी, हमारे वर्ग पहले क्या होता है, तीन बजे तीन दिन पहले अगले बार में लौट जाते हैं, जैसे कि पिछले टाइम में बारात पांच दिन रह जाती, और आज बारात 1 घंटे नहीं उठती, वही आज का खेल भी वही है, खेल भी आज का वही हो गया। और जो मुझे लगता है सुरजीत पहलवान जी शायद इस बात से सहमत होंगे कि इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं भाईचारा भी पहलवान जी खत्म हो रहा है। भाईचारा तो जी इस फोन ने खत्म कर दिया। अच्छा, जब पहले रिश्तेदार आया करते फोन नहीं करते, ये फोन भी बतला ना जी जी जी, भाई जरा वैसे ही खत्म हो गया। वो बात भी सही है, पर ये देखिए ना, पहले तो जैसे आप जाया करते इतने रिश्तेदार की इतनी इज्जत करा करते लोग, खिलाड़ी की तो बहुत ज्यादा करा करते, ये पता क्या हो रहा, इतने नहीं करते कोई भी, ये कुछ तो जो बतला फोन पर बतला ना, वो आना जाना रहे नहीं जी, आन जान से बहुत पहले बुजुर्ग सोचा करते भी आगे दो दो तीन तीन दिन रह जाया करते, एक कौन भाई तो 5 मिनट का टाइम नहीं किसी में, ना 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 पहली बात। और दूसरी बात, आप पहले सवाल पा गया था, मैं आप कह रहे थे ना दो आप स्पोर्ट्स कोच से लगे हो जी, जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अभय सिंह चौटाला का जी, जी। उस बंदे ना जिस टाइम अपनी स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकाली थी, 112 खिलाड़ी निकाले थे जी, जी, जी। उसमें से सारे हमारे रोड बरादरी के 40 खिलाड़ी लगे थे। अच्छा जी, जी। और बिना मतलब उसके मतलब कोई सिफारिश नहीं थी जी जी जी। और अभय सिंह ना सर्कल कबड्डी को जी 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 हरियाणा पुलिस के अंदर पहले बार उसने भर्ती करे थे जी जी जी। यानी सर्कल कबड्डी की कोई मान्यता नहीं थी जी जी जी, कोई कुछ नहीं था। आज की डेट में मैं आज इस सरकार से भी यही उम्मीद करता हूँ, जितने मेरे खिलाड़ी भाई हैं जी जी, जैसे स्पोर्ट्स में जो नया बच्चा सर्कल कबड्डी खेलता है जी जी, शरीर बढ़िया बना रहा जी जी जी। मैं दूसरी गेमों में क्रिकेट होगी कुछ और हो गया वॉलीबॉल होगी इनको पूरी मानता दे रखी जी जी जी। सर्कल कबड्डी एक ऐसी है उसको कोई मानता नहीं है। मैं आज सरकार से यह अपील करता हूँ अगर सर्कल कबड्डी वाले को भी इतनी मानता दी जाए जी जी, ये मेरे भाई बेरोजगार ना फिरे जी जी जी। मैं सरकार से आज जोड़कर धन्यवाद जी जी। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि
जब इतने खेलों को जब मान्यता सरकार ने दी है और उनको हर चीज में कोटा मिलता है, तो जो हाँ जिसको माँ खेल कबड्डी कहते हैं और हरियाणा की माँ खेल और पंजाब की माँ खेल कबड्डी कहते हैं, तो उसको तो उतना सम्मान मिलना चाहिए कि जो खिलाड़ी, और जैसा मोपल भाई साहब ने बताया कि आज भी स्थितियां वही है कि जिन परिवारों का अच्छा सिस्टम नहीं है, कहने का मतलब जो आर्थिक स्थिति से वो नहीं है, वही बच्चे कबड्डी में जाते हैं क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है। तो सरकार को, जैसे सुरजीत भाई साहब ने बताया कि सरकार को कबड्डी की तरफ ध्यान देना चाहिए और कबड्डी खिलाड़ियों को भी उतना प्रोत्साहन मिलना चाहिए जितना और खेलों को मिलता है। जैसे जैसे पहलवान जी ने बताया कि अभय चोपड़ा जी ने स्पोर्ट्स कोटे से कबड्डी की टीम को भी, कबड्डी खिलाड़ी को भी मौका दिया, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हुड्डा सरकार ने भी कुछ जो कबड्डी के सर्कल कबड्डी के प्लेयर थे वो पंचायत सेक्रेटरी कुछ बहुत सारे प्लेयरों को लगाया था। तो और जैसा मप्पल जी ने एक बात कही थी कि भाईचारा उस टाइम अच्छा था, तो अब स्थितियाँ कहाँ हैं? सारी डिफरेंट है, जैसे पहलवान जी ने बताया कि मोबाइल ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी हैं। तो मप्पल जी, एक छोटा सा सवाल यह है कि आप लोग कितने दिन का, आपका कितने साल हुआ कबड्डी खेले? 14 साल के आसपास। 14 साल। तो जैसे आजकल पंजाब में खेलने का प्रोसेस ज्यादा, जो आपके समय में पंजाब के अंदर खेल का अपने आप उस टाइम तो एक शान मानी जाती है, पंजाब में खेल के आए, तो आप कितने खेले हैं पंजाब में? ऐसे पंजाब में हम 5-6 साल खेले हैं और 55 किलो वेट की खेले। अच्छा, ज्यादा 62 किलो में। अच्छा। 94 में ऑल इंडिया हुई थी। अच्छा जी। बेअंत सिंह मुख्यमंत्री हुए थे। अच्छा जी। हमारी पोजीशन 3rd नंबर पे आई थी वहाँ। अच्छा, पर अच्छा। हमने नए चेहरे थे, 62 किलो जी का पोजीशन था। जी जी जी। ठीक है, हमारे पास सर्टिफिकेट भी थे। हाँ। मारे वो बस में रह गए। जी जी जी। गए। अच्छा। बसों का जाना होकर था, आज गाड़ी घोड़े में जावा, बलेरो को नखरे लिए पड़ते, उस टाइम बसों का जाना होकर था, तड़के बस में बैठे करते, बस 7 बजे चलेगी और पटियाला 11 बजे तारेगी। जी जी जी। और आज उठते 10 बजे चलना, पटियाला 11 बजे पहुंच जाना। बर्तन वाला प्रोसेस था क्या वहाँ? नहीं, वहाँ बर्तन वाला नहीं देखा, वहाँ पैसा देखे उस टाइम 7100, 1100, 5100। तो उस टाइम 14-15 साल पहले जब खटकड़ के अंदर पहला टूर्नामेंट हुआ था, इसमें शेखपुरे में 15,000 की टूर्नामेंट हुई थी हरियाणा के अंदर। जी जी जी। और दूसरी टूर्नामेंट खटकड़ में हुई थी 15,000 की। जी जी जी। नहीं, उसके बाद पहला तो मैंने 2100-3100 की टूर्नामेंट लग गई थी इनके बाद। जी जी जी। यहाँ 2004 और 2005 के बाद थोड़ा चेंजिंग आ गया था। जी जी जी। मैंने पैसे गए उसमें। नहीं, पंजाब में तो शुरू से ही पैसा है। जी जी जी। वो तो मैंने देखे नहीं वहाँ पर। तो और पंजाब में क्यों जाते थे भी? 2 पैसे में अच्छे मिलते थे प्लेयर को, इसलिए हर आदमी की सोच थी भी पंजाब में खेलो। जैसे आज लोग अमेरिका भेज रहे, जैसे आज कनाडा ऑस्ट्रेलिया जा रहे, तो हमारे लिए तो यही कनाडा दो पहलवानों के लिए पंजाब भी, वहाँ से पैसा ठीक ठाक मिलता था, यहाँ पैसा नहीं था। तो मैं अपने तरफ से एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सुरजीत पहलवान जी हैं वो एक बहुत बड़े कबड्डी को प्रमोटर भी हैं और आयोजक करता भी हैं। तो सुरजीत जी, आप क्या चाहते हो कि कबड्डी का और स्तर सुधारने के लिए, आप तो आयोजक भी रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है कबड्डी को सुधारने के लिए? आयोजकों की क्या भूमिका रहने वाली है? हमारी भूमिका पता कैसे कबड्डी को सुधारना? कुछ तो कोच जी, कोचों भी और कमेटी जी जी जी, इन्होंने टाइम टू टाइम बुलाने चाहिए। जैसे सवेरे 10 बजे बुलाओ इनको और 6 बजे तक इनके मैच कराओ। जी जी जी। ये प्लेयर कुछ ऐसे हैं ना, तो कोचों की मानते। अच्छा जी। मानते नहीं। ये 2:30 बजे आते हैं। जी जी। 2:30 बजे आने के बाद क्या खेल लेगा कोई? फिर रात ना सारी रात खेलते हैं। सारी रात खेलने में ना तो कोई बुजुर्ग आता है इसमें और ना कोई बच्चा देखता। जैसे पहले कोई मैच होया करते, दिन में मैच होया करते, कोई बच्चा भी लेडीज भी आया करते देखने के लिए। उसमें उन अपने बच्चों को कहती थी बेटे कबड्डी खेल, ईब रात को खेलते हैं, बल्कि हम भी नहीं जाते इसमें कई मैचों में, हमारा भी जान दिल नहीं करता। जी 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 जी। मैं सबसे अपील यही है भाई, आप दिन में मैच करो। कोचों का क्या कसूर है? कोच ने तो बेचारे सिटी भी जानी। बिल्कुल बिल्कुल। और टीम बुलानी। जी जी जी। ठीक है, उससे तो 10 बजे करा ले चाहे उससे रात ना करा ले, बल्कि सब आदमियों को रात को दिक्कत है। जी जी, सब आने जाने वाले भी दर्शक हैं, आने जाने एक्सीडेंट होते हैं, रात को दारू पी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्लेयर ही नहीं पीते चलो दारू। जी जी। मतलब आने जाने वाले दूसरी पब्लिक तो दारू पी लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से ये दो नुक्ति जा रही है। जी जी जी। रात की वजह से जितने आप लेट तक वो करोगे
कबड्डी कहाँ है, करनाल में नहीं, कुरुक्षेत्र में कहाँ खत्म होती जा रही है, आम टूर्नामेंट क्यों नहीं कराते? आपने मेरे से सवाल किया था भी आपने टूर्नामेंट करानी बंद कर दी। जी जी जी, टूर्नामेंट करानी नहीं कराएंगे जी। पता क्या, जो शेड्यूल है ना जो चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। कोचों का बेचारे का क्या कसूर है, वो ढाई बजे तक बाहर देख रहा हूँ, फोन मार दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर कह देते हैं कोच ने टीम नहीं बुलाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं इसी करके सबसे अपील करूँ, दिन माँ महसूर करूँ जी जी, और फिर और टूर्नामेंट ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल। तो सुरजीत जी का करियर कबड्डी में कितने साल का था? मैं 90 से खेलना शुरू करा था जी। कब तक? मैं 2004 तक खेला, 2004 तक। हाँ, मैं 2001 में पुलिस में भर्ती हो गया था जी, जी। उसके बाद मैं 1-2 साल और खेला जी। तो सुरजीत का स्वर्णिम काल कौन सा है कबड्डी में, जब सुरजीत 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 होगी चार ओवर? बहुत मैच है जी मेरे। अच्छा जी। एक सीवागढ़ी भी थारा नजदीकी आई। हाँ जी हाँ जी, सीवागढ़ी भी बहुत अच्छा मैच लगा था मेरा जी जी। बेस्ट रेडर आया था मैं, मेयर राम कली वाला मेरे जी जी जी, दोनों बढ़िया खेले थे। तो चैंपियनशिप थी वो, वैसे मैच था शायद, वैसे मैच था सीवागढ़ी। तो मेरे कुछ याददाश्त भी बहुत कम रहा, मैं ज्यादा नहीं करता फिर भी, मतलब जैसे भाई है बप्पल जी है, अपने जैनी वाले थे, अपने सत्ता जैनी जी है, कृष्ण जी पहलवान जी है। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने दिल की बात है कि हमारे बीच में नहीं रहा हमारा भाई गुलाब सिंह जी, वो मेरा बड़ा मतलब फैन था, और सारा दिन मेरे को मामा मामा करने का था। जब भी हम कोई मैच लाते थे ना, मैं कृष्ण और गुलाब जी, हम यूं नहीं देखे करते, बस हम मतलब वो क्या करता रेड मैं मारूंगा, वो क्या करता रेड मैं मारूंगा, इतने बढ़िया तालमेल था। आजकल तो बचते हैं कि ना तुम्हारा ना ना ना, ना बहुत बढ़िया तालमेल था। साथ में हमारा सतबीर जैनी जी और सत्ता कह चल रहा था जी जी। तो सुरजीत एक इतना अच्छा रेडर है, तो जब आपका अच्छा दौर था तो ऐसा कोई कैच रहा जिससे लगता हो कि यार इससे तो ये कैच मार सकता है? कैच तो लगती रहती है जी। नहीं नहीं, फिर भी एक मैं कभी डरा नहीं, वो तो आपकी बात सही है। मैंने ना जब भी कोई बढ़िया कैचर हुआ करता ना जी जी, मेरी एक थ्योरी थी जी। मैं बढ़िया कैचर का पहले हाथ लगाया हुआ था, अगर मैं उससे कटूंगा नहीं हमने खा जाएगा। मेरी एक थ्योरी है, मैं जरूरी भी जो बढ़िया कैचर है उसको हाथ लगाओ। कुछ लोग जो कहते हैं भाई, जैसे कोई बोलते रहते हैं भाई मैंने उसको नंबर नहीं दिया, भाई सब पता क्या होता है नंबर, वो मैच कितने खेले तेरे साथ। दूसरी बात, आप मैच में नंबर तो क्या किसने नहीं मिलता, ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पता क्या, कोई आदमी इंटरव्यू दे रहा है या कुछ दे रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मैं नहीं कहता हूँ भाई कभी भी सच, ये कबड्डी एक सच्चाई है। देखो कभी हम आगे हम चले गए डाउन हो गए, आगे हमारे बच्चे आगे। बिल्कुल, कबड्डी को एक ऊंचे लेवल पर ले जाना मेरी एक सोच है। मैं कभी भी पहले तो मैं कबड्डी खेलता था, आम गरीब आदमी थे, आम ना कभी कोई 10 रुपए दे देख रहा था, हम कूदते फिर कर रहे थे। आज की डेट में अगर कोई बढ़िया बच्चा खेलता है जी जी जी, मैं उसका मान सम्मान अपने दिल से जी जी जी, जितना मेरे को होता मैं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा मान सम्मान करता हूँ। मेरे के साथ छज्जूगढ़ी वाले हैं, भाई थे सारे, मतलब मेरी किसी के साथ वो नहीं है, मैं आज भी प्यार से रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपके नेचर से पता भी लगता है। पर फिर भी मैं एक सुरजीत ये जानना चाहता हूँ कि उस आपके दौर में अच्छे कैचर जिनको लगता हो कि हाँ वो कहते कहते कैचर हैं और जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता था, मैं केवल आपके करनाल की बात नहीं हूँ, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, आपको एक भाईचारे की बात कर रहा हूँ, उस समय कैचर कौन से थे जिनको लगता था कि यार हाँ ये बंदा कैच मार सकता है, ये पहलवान कैच मार सकता है? मारे असलाने का था बहुत बढ़िया। अच्छा जी। सत्ता जैनी अच्छा था। अच्छा जी। बजिंदर छज्जूगढ़ी अच्छा था जी। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जी। जी। इसका भाई था दूसरा एक और सुंदर, सुंदर वो भी ठीक था। ठीक ठीक ठीक, वो बढ़िया थे सारे जी। पता क्या जी, ये सारे 19-20 खिलाड़ी थे। जैसे हरियाणा के अंदर हम उन खिलाड़ियों में से आया करते जो 17 खिलाड़ी हों या 12 खिलाड़ी हों 13 खिलाड़ी हों, उसमें हम सारे 19-21 थे जी जी जी। इसमें आप किसी को नुकेलो भी ये ज्यादा अच्छा खेलता था, जिसमें सत्ता जानी था, सतवीर था, महावीर अथलानिया था, ये उधर सोरी पताले थे, रोहतक वाले थे, ये सारे 19-21 थे। पप्पू बस्तली था, गुलाब था, ये छज्जोगढ़ी वाले थे, मतलब सारे 19-21 थे जी जी जी। तो जैसा मैंने एक इंटरव्यू में कृष्ण जी से बात भी की थी, 2001 में आपने पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो उसमें आप टीम के उप कप्तान भी रहे, तो उस पूरी टूर्नामेंट में सुरजीत का प्रदर्शन कैसा था? अच्छा रहा प्रदर्शन मेरा। मेरा एक मैच इन्होंने एक मैच लगाया मैंने पंचकूला के अंदर, पहला मैच में खेल लो, उसमें मैंने एक कैच लगी थी, 5-7 रेट अपन डाई थी मेरे, ठीक है,
चर्चर रेडर था उसमें, आप साफ लगा लो 20-25 के मार चर्चर रेडर क्या के रेड आएंगे। उसके बाद मैं कोई मैच नहीं खेला, फिर मैं खेला जाकर चुटाला गाँव में मैच। जब चुटाला गाँव में मैच खेला वो कुछ ऐसा होया, कोई रेडर बड़ी आ गया, कैचर बड़ी आ गया, कोई किसी का मैच कम भी लग जाए किसी का ज्यादा लग जाए, उसमें थोड़ा सा एक दो बंदे को मारेगा जो बढ़िया रेडर थे उनका कैच लग गई, वो कहने लगे आप रेड मारो, फिर आपने उसमें रेड मारी। उसमें भी मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, मैंने 12-13 रेड मारी थी, उड़े एक कैच लगी थी मेरा। तो क्या कहीं जो आज जैसे आपने बताया कि अभय सिंह चौटाला ने आपको नौकरी दी, क्या क्योंकि चौटाला तो उन्हीं का गांव है, क्या आपके उस प्रदर्शन को लेके ये बात, ये सवाल बहुत अच्छा आपका। ये उसी दौरान उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाया, जैसे मैच खत्म होया स्टेज पे बुलाया, कहने लगा कहाँ से है, मैं कहने लगा जी करनाल से हूँ बेटे, मगर जी मेरे पास नौकरी नहीं है और है भी कौन थी। उन्होंने मेरे को जब कहा जब भी पुलिस के अंदर कोई भर्ती निकले आपने मेरे को आके मिलना है, उस टाइम मैं उनको जाके भर्ती की मैं ट्रायल देके चला गया और जाके मैं मिला। उसने ये बोला किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप भर्ती हो गए। मेरा जी सबसे पहला नंबर मेरा था, दूसरा नंबर रामकली वाले नरेश का था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने कबड्डी के खिलाड़ियों के बारे में ऐसी सोच रखी। सुरजीत अच्छे खिलाड़ी तो है ही, एक बहुत अच्छे इंसान भी है, कई इंसान के बातचीत करने से भी पता लग जाता है, तो बहुत अच्छी नेचर है। तो सुरजीत पंजाब में और इंटरनेशनल कितना खेल रहा है? मैं पहले बार गया था पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान खेल गया। आप भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? नहीं उससे नहीं, मैं पता क्या पाकिस्तान गया था टीम के हिसाब से, वाइस कप्तान बना मैं यहाँ इंडिया के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में आई तो मैं उसमें वाइस कप्तान था, नील रिटर्निंग कप्तान था। हाँ, जो मैं पाकिस्तान गया एज ए प्लेयर के हिसाब से गया था। पाकिस्तान पहले 2001 से पहले की बात, पहले पाकिस्तान के आने से पहले की बात, पहले 97 में गया था। जी 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 जी, 97 में मैं पाकिस्तान गया था जी। उसके बाद 99 में एक पाकिस्तान की टीम पंजाब में आई थी। अच्छा जी, उसमें भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका पंजाब की तरफ से आपका सिलेक्शन टीम में हो गया था। जी जी जी, तो मुप्पल जी अब क्या देखते हैं, अब खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए कबड्डी को उसी मुकाम तक लेके आने के लिए? हर एक चीज से, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे मेहनत की बात हो, और चाहे वो भाईचारे की बात हो, उसमें क्या कहना चाहिए? भाईचारा जब बढ़ेगा जब दिन की टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, उसमें नए लड़के नए चेहरे निकल के आएंगे। जी जी जी, जो रात वाली टूर्नामेंट में तो वही बात है, जब सब ने बारी बार यही बात कह ली, उस बात का कोई फायदा नहीं बार बार कहने का। जो दिन की टूर्नामेंट है उसमें बच्चे नए नए निकलेंगे, ऑटोमेटिक निकलेंगे, उसमें मुप्पल की जरूरत नहीं, सुरजीत की जरूरत नहीं, उसमें ऑटोमेटिक निकलेंगे लड़के। जी जी, जो दिन वाली टूर्नामेंट होगी, और वे तो कमेटी ने ऐसा निर्णय बनाना चाहिए, अगर जो एक दिन की टूर्नामेंट है ना उस पागले दिन पे ले जाओ। जी जी, तो जरूरी रात को 2 बजे तक करो उस टूर्नामेंट को, अगले दिन पे ले जाओ, प्लेयरों को भी पता लगे भी पहले भी टूर्नामेंट होती 3-3 दिन के लिए। जी जी, तो मुप्पल जी बताइए कि सुरजीत जो पहलवान जी हैं वो आपके सीनियर थे या आपके समकक्ष थे, क्या था? बस 7 की हैं। अच्छा, 7 की, 6 महीने का पीछे। जी जी जी, तो कोई छोटी छोटी दो बातें दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और आयोजककर्ताओं के लिए कबड्डी को लेकर आपकी राय कि कैसे हम कबड्डी को सुधार सकें? बस जितना हमारे पसे होगा हम उतना कर सकते हैं। जी जी, जितना हमारे आज हमारे बस में है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, जैसे हम पहले ओपी कोड़ी बात कर रहे थे कि बहुत सारे जिलों में कबड्डी धीरे धीरे कम हो रही है, हालांकि पैसे तो बढ़ रहे हैं कबड्डी में, पर स्तर गिर रहा है। स्तर तो यूँ गिर रहा ना, जो रात की टूर्नामेंट ने गिर दिया स्तर। आपको मतलब मेन मुद्दा तो ये है, रात की टूर्नामेंट ने इतना स्तर गिरा बिल्कुल, और नए लड़के निकल नहीं पा, और मेडिसिन को कितना दोषी मानते हैं? ये तो सारे दोष है बिल्कुल, हर गेम में दोस्त है इसका, तो किंग ही ले लो आप। ऊंचे जाने के लिए कोई इसमें फीचर है ही नहीं भी आप वो आगे बढ़ सको, बिल्कुल नीचे आ सकते हैं, बढ़ तो सकते नहीं। अब जैसे आपसे ही बात हुई और पहलवान जी से बात हुई, इन्होंने बताया कि लगभग 14-15 साल का इनका टाइम रहा है जब ये खेले हैं, 14-15 साल अभी उतारे हो, आज के समय के 4-5 साल की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर आए और बहुत जल्दी खत्म हो गए, चले गए, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मेडिसिन की ही प्रॉब्लम है। पता क्या है, ये मेडिसिन मेन मुद्दा है कि 2 साल प्लेयर चढ़ लेता है और 3रे साल गिर लेता है। जी जी, लंबा टाइम नहीं है, जो पुराने नहीं है, बस्तड़ी करम सिंह है उनका जिक्र आता है भाई, सबसे लंबे हमारे जो करनाल एरिया में वो खेले 20 साल के 22 साल के आसपास खेले, वो उससे लंबा प्लेयर नहीं खेले, जैसे कि क्षीणे सत्ते और थे जो यहाँ थे 15-16 साल तक ये भी चले हैं, ऐसी बात नहीं। मैंने सारा मेडिसिन खो रही है ना प्लेयर को, तो
मैंने जब गुड्डे काम नहीं कर रहे इनके आजकल की पान को कम थोड़ी है, खाना वाला चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कोई करता नहीं, सोचा खाट में पड़े पड़े प्लेयर बन जाओ। आज भी कोई बड़ा गाँव से निकल दो उसको सपोर्ट मिलता है, शहर में ज्यादा आप सचिन बन जाओ जब भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, गाँव में आज बच्चा कोई लायक बच्चा ना उसको सपोर्ट करता है, गाँव में आज भी है ये चीज। तो सुरजीत पहलवान का क्या कहना है कबड्डी के सुधार को लेके? मैं तो सब भाइयों से अपील यही करता हूँ कबड्डी को जैसे सुधारना, देख हमारे सुधार ऐसे तो सुधरती नहीं है, खुद प्लेयर अपने आप को सुधारे, सहयोग तो समाज का भी रहेगा ना, समाज का सहयोग रहेगा, जो उन्होंने हमारी जरूरत है वहाँ हम उनकी जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, सारी चीजों में करेंगे, पैसे में लगा ले या किसी को भाई को कहीं दिखाना उसमें दिखा देंगे, जो ये सिस्टम है ना मेडिसिन वाला इसको बच्चे ने छोड़ देना चाहिए, इसमें कई बच्चे ऐसे चले गए हमारे बीच में नहीं रहे वो मेडिसिन के चक्कर में चले गए, और मेडिसिन का इतना वो लंबा चौड़ा नहीं है, तकरीबन 5 या 2 या 3 साल खेलता है बच्चा, उससे ज्यादा नहीं खेलता, लंबा कैरियर तो खत्म ही हो गया ना, जो ये टिक्के लगाते हैं इन्होंने बाद में भी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो पता क्या कहूँ, इससे ठीक तो खेल ही ना, अगर जो टिक्के लगाने हैं तो खेलना नहीं चाहिए, बस मेरे तो यही अपील है सब खिलाड़ी भाइयों से। हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं और कुछ जानना चाहते हैं हमारे प्रिय खिलाड़ियों से, तो दर्शक कोई सवाल कोई करना चाहता है? पहलवान जी, जैसे कि आपके समय में जो प्लेयर होते थे या बहुत सारे प्लेयर रोहतक साइड भी हैं, वो आज भी मतलब भाईचारा अपना बनाए हुए हैं और ग्रुप में रहते हैं, लेकिन आजकल खिलाड़ियों का मतलब जुबान नाम की चीज नहीं, वैसे तो हरियाणा में कहते हैं जुबान का इधर मतलब सारा वो होता है हमारे पास धन होता है, पर आजकल प्लेयर क्या है, हाँ किसी की अगले दिन किसी में स्कीम लगा के खेलने लग गए, आपके टाइम खेलते थे दिमाग से नहीं दिल से खेलते थे, प्लेयर दिमाग से खेलने लग गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो भाईचारे की बता रहा हूँ मैं अपना, मेरे साथ जितने करनाल डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी है ना कुरुक्षेत्र के भी और जितने मेरे पुराने भाई हैं सारे मेरे से टच में हैं, और मेरे को प्यार भी उनका बहुत ज्यादा है, मेरे को सपोर्ट भी करते हैं वो, हर मैंने जहाँ भी मन उनकी जरूरत पड़ती है ना वो मेरे पास आते हैं, एक फोन करूँ तो खेल आ जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे आप दिल से खेलते थे, ये बच्चे आज दूसरे लेवल पर जा लिए, मारे वाले जो टाइम था ना, हम जो भी चीज करते थे ना जैसे कबड्डी खेलनी, हम सवेरे 5 बजे उठते 3 बजे उठते, मतलब पूरे उससे दिल से करते थे काम, ये बाज कुछ बच्चे आपस में सेटिंग भी कर ला ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ जो फिक्सिंग भी कई बार होती है हो जाती है फिक्सिंग, पता क्या जो ना तो उसमें कोच का कसूर होता ना उसका कमेटी का कसूर होता, हमने क्या फिर आपने क्या करा, बिल्कुल बिल्कुल, और इस पब्लिक का सारी काम बोला बन जाता है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेयरों से यही रिक्वेस्ट है, मैच तो और बहुत ज्यादा होंगे, अगर जब भी दिन में ज्यादा मैच करोगे ना प्लेयर नए निखरते हैं, जैसे हम कुछ प्लेयरों ना हम जानते ही नहीं वो क्यों, रात के अंधेरे में दिखता ही नहीं, दिन में यूँ कहते हैं ये आ गया फलाना शामगढ़ का आ गया जैनी का खेल रहा, मतलब जैसे आप ऐसे ऐसे खेलते हैं तो लोगों के नाम होते हैं, इसमें नाम नहीं रहा, यूट्यूब पे लग गया लोग देखने, अच्छा यूट्यूब पे भी देखते हैं लोग, पर बाद में देखना चाहिए उन्होंने पहले ग्राउंड में जाके देखना, उससे प्लेयर बढ़िया बनेंगे, अपने बच्चे ना प्लेयर बनाएंगे, मतलब इससे ज्यादा यही मैं सबसे रिक्वेस्ट अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसा मेरे दर्शक ने भी पूछा कि और सुरजीत जी ने भी अच्छा जवाब दिया, आज से 3-4 साल पहले की बात है हरियाणा में एक लीग हुई थी और उस लीग में सुरजीत जी भी किसी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शायद करनाल जिले की शायद वो टीम रही थी और अलग अलग गांवों में वो मैच हुए थे, तो जब हम दर्शकों ने देखा था कि जो पुराने प्लेयर हैं ओल्ड इज गोल्ड हैं वो, तो उनमें आपस में जो भाईचारा था वो अल्टीमेट था, वो खेल नहीं रहे थे उस टीम, वो एक तरीके से उस लीग में वो जो पुराने प्लेयर हैं अपने अपने जिलों की टीम को लेके आए हुए थे, पर वो ऐसा लग रहा था कि वो अलग अलग जिलों की टीम नहीं है, वो एक घर की टीम है, चाहे वो पुराने प्लेयर रहे हों चाहे वो नए प्लेयर रहे हों, पर वो भाईचारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे वर्तमान समय में तो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़े सुरजीत पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त समय है ये जा रहे थे, और मप्पल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए रुके, हमारे दर्शकों के लिए रुके, और मैं स्पोर्ट्स लाइव और दा चर्चा की टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और दा चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव को मैं खुद भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं इन
महान खिलाड़ियों से रूबरू हो सकूँ, इनसे कुछ बातचीत करूँ कर सकूँ, तो स्पोर्ट्स लाइव उर्दा चर्चा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों मेहमानों का। आपकी चैनल का फिर दिल से गहराइयों से धन्यवाद।